हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फर्स्टर एकेडमी। माय नेम इज श्वेता पांचाल और आज मैं बात करने वाली हूँ KVS के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं पर इसके साथ साथ सिलेबस भी चेंज हुआ है। सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सिलेबस में चेंज आया है तो क्या है क्वेश्चन, मतलब क्या पूरा पैटर्न है। और इसके अलावा आप अलग अलग वेबसाइट भी देख रहे हैं शायद, तो इसी वजह से आपको बहुत कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा। नहीं, आपको सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही कंसीडर करना है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन KVS की साइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर देखना है। तो और देर ना करते हुए मैं कोशिश करूँगी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए PGT, TGT और TRT के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए PGTs के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं वो हैं हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। इन सभी के लिए एक ही पैटर्न है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या पैटर्न है। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट ड्यूरेशन, कितने टाइम का है ये आपका जो एग्ज़ाम है, ये है 150 मिनट का। इसके बाद टोटल क्वेश्चंस भी आपके 150 ही हैं और MCQ वाले आपके क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स देख लेते हैं, वो भी 150 है, ये सब में सेम ही है, 150 मार्क्स का आपका पेपर है। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश है। इनके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जनरल इंग्लिश के लिए और 10 क्वेश्चंस ही आएंगे हिंदी के लिए। तो टोटल जो आपका पार्ट वन है वो कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का हो गया। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन एक मार्क का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हो गए और ये वाले 10 क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के हो गए। तो आपका ये प्रॉपर पार्ट वन जो है वो 20 मार्क्स का हो गया। पार्ट टू देखते हैं एक बार। तो पार्ट टू है आपका GK है और करंट अफेयर है। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान से देखना, GK में और करंट अफेयर दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चंस हैं। और रीजनिंग एबिलिटी जो है आपकी उसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर लिटरेसी देखिए, कंप्यूटर क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो भी 10 क्वेश्चंस ही आएंगे आपके। तो कितने मार्क्स हो गए टोटल, 20 10 10 10, ठीक है। 50 मार्क्स आपके यहाँ हो गए और पेडागोजी है यहाँ पर 20 मार्क्स की, ठीक है। GK 10 मार्क्स की है, रीजनिंग 10 मार्क्स की है, कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 10 मार्क्स की है और 20 मार्क्स का क्या है आपका पेडागोजी। पेडागोजी में भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आप कंसीडर अच्छे से करने पड़ेंगे, नोट डाउन कर लेना बिल्कुल अपने पास। और इसके बाद फिर पेडागोजी में ही पार्ट फाइव है, मतलब पार्ट टू का पॉइंट फाइव जो है वो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको साइट पे अवेलेबल हो जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये हैं आपके 80 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया आपको। देखिए सबसे पहले है इंग्लिश हिंदी है, 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद GK है, करंट अफेयर है, इसके भी 10 क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी के भी 10 क्वेश्चंस हैं, पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चंस और लास्ट में 80 क्वेश्चंस हैं आपके आपके सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। और इंटरव्यू भी आपका 60 मार्क्स मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो कितना बताया गया आपका कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है, सिलेक्शन जो होगा वो 85 कंसीडर किया जाएगा आपका मेरिट लिस्ट जो आप टेस्ट देंगे, जितने आपके नंबर आएंगे, और 15 कंसीडर किया जाएगा आपका जो आप इंटरव्यू देंगे। तो टोटल मिलाकर फिर आपका सिलेक्शन वही डिसाइड करेगा। TGT की बात करूँ तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि TGT में भी अलग अलग सिलेबस है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, इनका बिल्कुल एक जैसा पैटर्न है। 150 मिनट हैं, 150 क्वेश्चंस हैं और 150 ही मार्क्स हैं। पार्ट वन में जनरल इंग्लिश में और हिंदी में 10-10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी जो है उसके 10-10 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद जो चेंज है वो ये है, आपका GK और करंट अफेयर जो है वो 40 मार्क्स का है। आपने PGT में देखा है कि 10 मार्क्स का था, लेकिन यहाँ पर 40 मार्क्स का है TGT में। तो रीजनिंग एबिलिटी ये भी आपका 40 मार्क्स है। कंप्यूटर लिटरेसी ये आपका 10 मार्क्स है, मतलब 10 क्वेश्चंस हैं। पेडागोजी में देखिए, पेडागोजी में आपके 40 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए आपके, 40 है, यहाँ पर भी 40 है, 40
यहाँ पर 10-10 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पेडागोजी के आपके अच्छे से प्रिपेयर करना है, टॉपिक्स भी मेंशन है, एक एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा इतना ही आपका पेपर है TGT का, आपने देख ही लिया होगा टोटल 150 मार्क्स हो गए हैं। तो पार्ट वन है, पार्ट टू है और सिर्फ पेडागोजी में आपका 40 है यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है जैसे PGT में है, यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ पेडागोजी मेंशन किया गया है। क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल, ठीक है। तो ये था आपका TGT। इसके बाद बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है 85-15 वाला, पहले आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और टोटल मिला के फिर आपका सिलेक्शन उसी के बेस पर होगा। देखिए TGT में जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, TGT अभी हमने अलग सब्जेक्ट डिस्कस किए थे, यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, इनका इन दोनों का ही देखते हैं क्या पैटर्न है। 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स हैं। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी जो है वो 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। यहाँ पर जो GK और करंट अफेयर है वो आपका 10 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चंस है, रीजनिंग भी 10 क्वेश्चंस की है और कंप्यूटर लिटरेसी भी आपकी 10 क्वेश्चंस की है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न है, ध्यान दीजिए, आपको जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था TGT वाले में, उसमें सब्जेक्ट कंसर्न नहीं था क्योंकि उनके सब्जेक्ट अलग थे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस नहीं थे, सिर्फ पेडागॉजी थी। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको सब्जेक्ट कंसर्न दिया गया है और ये आप वेबसाइट से अक्सर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा हो गया, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस हैं, ये कितने हैं, 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 10, 20, 30, 40, तो 50 क्वेश्चंस हो गए बाकी सब, और 100 जो क्वेश्चंस हैं वो हैं सब्जेक्ट कंसर्न। यहाँ पर भी सेम चीज़ है 85-15 वाला, कि दोनों इंटरव्यू को और सिलेक्शन आपका पूरा वही डिसाइड करेगा लास्ट। देखिए लाइब्रेरियन की 150 मिनट है, 150 MCQs आएंगे आपके, 150 मार्क्स हैं। जनरल इंग्लिश और हिंदी के लिए वही आपका 10-10 क्वेश्चंस हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं 10, रीजनिंग एबिलिटी भी है 10 और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके आएंगे 10। सब्जेक्ट कंसर्न आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक है आपके। ये देखिए मैं एक साथ इनको मैंने दिखा दिया है आपको, यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे जो आप KVS की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद प्राइमरी टीचर की बात करते हैं आप। देखिए प्राइमरी टीचर में 150 मिनट है, 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स हैं। बिल्कुल नेचर देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी के 10-10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान रखिए 10-10 क्वेश्चंस हैं, और GK और करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग एबिलिटी के भी 10 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर लिटरेसी के भी 10 क्वेश्चंस हैं और पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 30, 40, 50, कितने मार्क्स के हो गए जी, देख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, ठीक है, वहाँ पर 70 और यहाँ पर 80, ठीक है। ऊपर जो हमने क्वेश्चंस देखे थे पूरे 70 मार्क्स के बैठ रहे हैं और लास्ट है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपको 80 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, 80 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो वो भी आपको जो भी सिलेबस में आना है वो आप यहाँ पर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 150 कैसे बैठे हैं ये ध्यान से देखिए, PRT में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस बार, कन्फ्यूजन है बच्चों को। देखिए इंग्लिश हिंदी के 10-10 क्वेश्चंस हैं, GK करंट अफेयर को मिलाकर 10 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस हैं और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी है। और इसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, 80 मार्क्स आपके ऐड कर दिए गए हैं आपके सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज आया है, सबसे बड़ा चेंज जो है वही आपका, आपको रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों को प्लस करने के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। देखिए प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के बारे में भी बता देती हूँ, इसमें भी आपका 150 ही रहेगा टोटल मिनट, MCQs और मार्क्स। जनरल इंग्लिश है आपके 10 क्वेश्चंस हैं, हिंदी में भी 10 क्वेश्चंस हैं, GK और करंट अफेयर मिलाकर 10 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर लिटरेसी के भी आपके 10 क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्ट कंसर्न यानी म्यूज़िक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे पूरे 100 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पर ये
आपको ये प्रिपेयर करना है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है सिलेबस और फिर उसकी तैयारी शुरू कर देनी है अच्छे से। बस यही था इसके बारे में, और कुछ नहीं है, बाकी तो सब कुछ सेम चीज़ ही है। फीस देख लेते हैं एक बार, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए है 1500 1500, बाकी 1000 रुपये फीस है। इसके साथ एक बात और बता दूं कि TGT वाले जो हैं वो प्राइमरी में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो रहे हैं 24 तारीख से और ख़त्म है 13 तारीख को, यानी अगले महीने की 13 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसकी डेट अभी नहीं आई है, टेंटेटिव डेट कुछ भी बोल रहे हैं बच्चे, लेकिन अभी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है डेट्स की। तो बस इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो जब आपके पास सकाए तो आप उसको अच्छे से देख लें और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।